नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, दोस्तों आप उससे चाहें तो एक से दो घंटे में आप उससे हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों सुबह सुबह, दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो बिजनेस है इसका सबसे खासियत यही है कि ये गांव हो या शहर कहीं भी आप और कभी भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सुबह का टाइम जो मैं बता रहा हूँ, अगर सुबह के टाइम में आप इस काम को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, तो दो घंटे ढाई घंटे तीन घंटे में आप हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि इस काम को, इस बिजनेस को आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, दोस्तों इसको मैं शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, मतलब शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, आप सिंपल सा आपको क्या करना है कि बस सुबह सुबह आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप चाहे तो अपने घर पे भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपका घर, अगर सड़क है, अगर लोगों को आना जाना रहता है, तो वहाँ भी आप इस बिजनेस को शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, हलवा चना और पूड़ी छोले, बस ये तीन चार चीजें अगर आप बना देते हैं सुबह, तो ये सुबह का नाश्ता दोस्तों आप इससे हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों और ये समझ लीजिए कि बहुत कम पूंजी में, मुश्किल से 2000 से कम ही पूंजी में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपने घर बैठे आप इस काम को करके, ये बिजनेस करके घंटों में, दो घंटों में ये सुबह सुबह का नाश्ता बना करके आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों गांव या शहर कहीं भी रहते हैं आप, तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।